डीपेस्ट डार्क सीक्रेट्स, वाओ, आई एम, आई ब्रीड फेमबॉयज और भाव, क्यों अपना ना नाम नहीं देना बे, आई यूज्ड टू गो टेंपल एवरी डे जस्ट टू स्टील द सिल्वर ऑफ द बॉडी ऑफ द लॉर्ड हनुमान, डैम ब्रो, लाइक अब तो फिर मतलब हेल जाएगा तू, आई वंस टच्ड, मतलब कैसा वाला टच, मतलब कि कुछ और सोच के कि कोई और टच, मतलब कैसा, मेरे को समझ, ये तो सब करते शायद, आई हैव नेवर वॉच्ड फ्रेंड्स, डैम मैं भी सेम, उसको देखने के लिए हिलाया फिर पी गया भाई, मुझे ना सही में इतने सारे डीएम्स आते हैं कि भाई आई एच टू योर स्ट्रीम्स, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और मुझे लगता है उनमें से एक ना एक तो होगा जो सच बोल रहा होगा, जो मतलब सच्ची में करता होगा ये सब, और भाई वो थॉट है ना मुझे काफी मतलब डरा देता है अंदर से। आई वंस पुट स्लाइम ऑन माई डिक एंड यूज्ड इट लाइक अ कंडोम, ये तो इंट्रूसिव थॉट्स वाले हो गए ना, मेरा वॉलपेपर टशी है, यू नीड हेल्प, आई एक्सीडेंटली वॉच्ड पॉर्न इन क्लास, टोल्ड इट टू माय फ्रेंड, दैट किड ब्लैकमेल्ड मी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर बाय सेइंग ही विल टेल एवरीवन आई वॉच कंडी विद यू, डैम शिट यार, ये तो बुलिंग हो गई एक तरह से, कोई बात नहीं ब्रो, होता है भाई, ये काफी पहले की बात है, मैं एक लड़की से मिला, उससे 2 या 3 वीक्स बहुत ज्यादा बातें होने लगी, फिर हम धीरे क्लोज आने लगे, और फिर किसी ने प्रपोज तो नहीं किया, बट वी काइंड ऑफ स्टार्टेड डेटिंग, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद और आगे बड़ी बात, और फिर मैं 1 वीक के लिए उसके साथ कुल्लू गया, वहाँ पे भयंकर सेक्स हुआ, दिन रात सेक्स, ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में हूँ, उसके बाद वो घर गई तो उसके पीरियड्स नहीं आए, तो उसके प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया, आई डोंट नो कैसा घर पे पता लगा कि उसके घर वालों ने उसका घर निकलना भी बंद कर दिया, उसके बाद से बात नहीं हुई, टाउन छोड़ दिया, फिर टाइम बाद आज मैं उसकी बेटी की, आई होप यू, वी मूव ऑन, आई हैव वियर्ड ऑब्सेशन विद ब्लड, जेफरी डामर, आई कैन गेट लाइक ऑब्सेस्ड विद ब्लड एंड डाइंग एंड स्पेंड सो मच टाइम वॉचिंग ऑल द सैड और ग्रूसम वंस ओवर एंड ओवर एट टाइम्स, इट्स मोर लाइक सिक एंड काइंड ऑफ एंजॉयमेंट रादर देन समथिंग आई एक्चुअली, बिकॉज आई फील डिस्कस्टेड एंड सैड फॉर ऑल द पीपल दैट दीज हॉरिबल थिंग्स आर हैपनिंग टू, बट आई कैन जस्ट कांट स्टॉप इट, आई लाइक हाउ इट मेक्स मी फील मिजरेबल एंड पावरलेस, मैं क्या बोलूँ, मतलब अगर ये ऑब्सेशन मतलब अपने तक ही जब तक रखोगे तो ठीक है भाई, ठीक है, ये नहीं कि मतलब दूसरों को काट के देख रहे हो कि हाँ भाई इसका खून कैसे निकलता है, आई कट माई सेल्फ वाला तो रिलेटेबल हो गया, तो फिर कैसे रिलेटेबल हो, तुम सब हो ठीक, मेंटली ठीक हो तुम सब, सब जो भी मेंटली ठीक है वो 1 लिखो, जो भी मेंटली ठीक नहीं है वो 2 लिखो चैट में, एक बंदा तो 3 लिख रहा है साथ है क्या, बट हाँ ये वियर्ड ऑब्सेशन है, वियर्ड है ब्लड के साथ, पता नहीं क्या ही है, मुझे कभी समझ में नहीं आएगा ये, बट हाँ अपने पास ही रखना प्लीज, मत ही बताना भाई किसी को कि मेरे ऑब्सेशन है, वो दोस्ती टूट जाएगी भाई तुम्हारी, मेरा ब्रेकअप हो गया था 2 साल पहले, रोज उसे याद करता हूँ, गलती मेरी ही थी, मुझे उसको चॉकलेट दे देना चाहिए था, अब तो उसके दांत भी आ गए हूँ, कुछ मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा इसमें, फिर मेरे को गाली पड़ेगी, पिछले साल जनवरी में एक लड़की से बात करने लग गई थी, बोल से एक लड़का पसंद है वो मेरा दोस्त था, आई ट्राइड टू शिप देम देन, पिछले साल जनवरी में एक लड़की अच्छे से बात करने लग गई थी, उसे एक लड़का पसंद है वो मेरा दोस्त था, डैम कक भाई बिल्कुल ही, आई ट्राइड टू शिप देम बट देन शी सेड शी डजंट लाइक मी, शी लाइक्स, ओह आई एम सो सॉरी ब्रो, शी लाइक्स मी एंड कन्फेस्ड आफ्टर सम टाइम, फिर मैंने भी हाँ कर दी, ऑफ कोर्स मेरे को भी अट्रैक्शन था, फिर 1 महीने बाद वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ काफी अच्छे से बात करने लग गई, डिफरेंट गाय देन फर्स्ट वन, लेट्स कॉल हिम आदि एंड फर्स्ट गाय अभी, फर्स्ट वन लेट्स कॉल हिम आदि एंड फर्स्ट गाय अभी, हैं फर्स्ट वन, अच्छा, तो पहला, अच्छा हाँ चल रहा है, नहीं पता था, जस्ट लाइक मी वी वर डम फक्स, हमें उस लड़की ने पूछा, हमें डांट पड़ गई पता नहीं क्यों, फिर 1 महीने बाद हमारा एक और दोस्त था उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया, जो कि गुड फ्रेंड, हमने उसके सब बता दिया और उसका फिर ब्रेकअप करा लिया, एंड ग्रेट सीन ऐसा है ये सब होने के बाद, तेरी दोस्त है कौन भाई, दीपिका पादुकोण ये तो मूवी वाला सीन हो गया भाई, ऐसे लग रहा है मूवी, और वो तू बना सकता है भाई नेटफ्लिक्स सीरीज इस पूरी चीज के ऊपर भाई, इतना बड़ा छुद, ये क्या है ये भाई, गाइस नहीं मिलेंगे 5 मार्क्स, चलो स्टार्ट करते हैं, व्हाट द फक भाई ये क्या, मतलब ये कोरियन ड्रामा चल रहा है क्या भाई, ये फेक नहीं हो सकता भाई, he was nice caring and good guy, nahi tha wo nice caring aur good guy, once I make out in computer lab of our school and got by, wow bhai sab computer labs mein bhi aajkal kya ye kuch new trend hai kya ki sab computer labs mein make out karte hain, she only thrashed me but she didn't
she didn't told this to anyone. English sadale. I was once got caught by her parents at midnight. They all beaten me. Still she is my GF, but I'm scared of her. तुम लोग किसिंग विसिंग कर रहे थे क्या? सही किया भाई वैसे तो, अगर मतलब तुम उनके घर पे जाके उसी की बेटी के साथ अगर तुम मेकआउट कर रहे हो तो फिर मैं होता तो मैं भी मारता, अगर वो मेरी बेटी होती तो। आई लव माई बूब्स टू बी डिफरेंट। 2 ईयर नो फैप तोड़ा, 2 ईयर नो फैप, बट नो फैप से होता क्या भाई? मतलब 2 साल अगर तुम अपना नट रोक रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम कोई एथलीट हो या फिर ऐसे कुछ सीन है। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया भाई कभी, मतलब ऐसे नो फैप। Porn has destroyed my brain so much that I check out every girl's ass and I feel guilty but I can't help it. Makes me wanna die sometimes. हाँ भाई ऐसा होता है, porn की जो addiction होती है ना वो जो क्या बोलते हैं masturbation की addiction से भी खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है भाई porn। तो मतलब मैं तो बोलूँगा कि porn मत देखो। Instagram है तो भाई, मैंने जब भाई मैं जब 12th का था तब मैंने अपने 4 साल की कज़न के लास्ट ईयर मेरी एक लड़की थी शी वॉज सो हॉट लाइक ग्रेट एसेट्स वाओ। वंस आई हैड अ सीन विथ हर एट अ पार्टी, शी वॉज ड्रंक सडनली, शी गॉट कॉन्शियस एंड चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, रिमेंबर दैट आई वाज इन सेफ नाउ। डैम ब्रो भाई, अगर उसको सोच याद नहीं आता तो पता नहीं का ही होता अभी। आई हैव दिस वीर्ड ऑब्सेशन विथ काले नंगे लोग। हाँ डीप, तेरे को ऑब्सेशन नहीं है, तू सीक्रेटली गे है और तुझे चाहिए काले नंगे लोग, एक ब्लैक बॉयफ्रेंड, एक अफ्रीकन बंदा। मैंने एक बार एक कांच की बोतल के साथ मेकअप करा था, फिर 2-3 बार अंदर और बाहर डाल के निकाला तो कांच की बोतल टूट गई। अच्छा फकिंग डम एस, मेकआउट करा था ये बोल तू? मेकअप, मैं वही सोचूं मेकअप क्या करा तूने, द फक भाई, और तूने लिया भी। किंडरगार्टन की बात है, तेरे को किंडरगार्टन की बात कैसे याद है? मुझे तो 9th क्लास से पहले कुछ याद ही नहीं है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें याद है बस। Come, wow. I got molested a lot as a child and I told this to my parents because they would point out my mistakes because I played after 6. I hate the fact. Because I played after 6? भाई अगर चैट में अगर ऐसा कोई भी है बंदा जिसको जो मतलब बचपन में molest हुआ तो please थेरेपी ले लो, ठीक है? तो ट्रॉमा में चेंज हो सकता है। तो yes भाई, सारे fake story है भाई, इतने बड़े बड़े फेक स्टोरीज कौन ही लिखेगा भाई, ये फेक नहीं हो सकता। लाइक कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक है ये चीज़ें फेक होने के लिए। भाई आई एम दैट मॉम जोक वाला बंदा, सॉरी फॉर दैट, मुझे जोक फनी। मैंने ना एक स्कूल फंक्शन के दिन प्ले में ऐड किया था, उस दिन प्ले के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स लंच करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और एक रिहर्सल के लिए एक हॉल टाइप है उसके बाहर जा गए, कोई अंदर नहीं जा रहा था, कह रहे थे कोई है। मैंने सोचा हुआ भी तो क्या हो जाएगा, मैंने डोर खोला और 3 लड़कियां थी, 2 ऐसी ही बैठी थी और एक कपड़े बदल रही थी। तो फक मैंने सोचा हुआ भी और क्योंकि उस हॉल में कैमरा नहीं है, सो हॉट इट आई सेइंग इज कि दे वर गुड, बट उसमें एक लड़की बाहर आई, वो मेरी क्रश थी। मैं बस बोलता रहा मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बाद मेरी क्रश ने कभी मुझे, तेरे साथ ऐसी होना चाहिए साले क्रीप, और ये बात मैंने जिस लड़की को देखा था लाइक काफ़ी टाइम बाद उसके बॉयफ्रेंड को बताई, वो सैड हुआ, फिर हम अच्छे दोस्त थे तो वो वी लाफ्ड एट इट। इसमें लाफ का कुछ है ही नहीं सीन, तूने उसके बंदी के टिट्स देख लिया भाई, फिर तो दोस्ती उधर ही रुक जानी चाहिए थी। एक बार अच्छी टीम देखते हुए खुद को टच किया था, वाओ। आई मीन 10th एंड आई हेल्प्ड अ गाय इन चीटिंग व्हेन यू वर 9th, दैट्स कोड 70+। ही वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय दिस फैक्ट दैट ही लिटरली किस्ड मी ऑन माय चीक्स। रुद्र ये तू है क्या? I pooped, बहुत ज्यादा फ्लश हुई नहीं और हाथ से फेंकना। When I was just a kid in first standard, there was a girl in neighbor who was a year old. She used to show me her female parts in return of showing mine. I was just a kid then. There was a girl in neighbor. See, ऐसी चीजें फेक नहीं हो सकती। ऐसी चीजें देखो, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक है और कुछ ज्यादा मतलब डिटेल स्टोरी, और मतलब ऐसी चीजें हो सकती है। I faked my death now for 3 years. Wow, sorry. अपने आप को क्या समझते हैं तू, भोजटी के सुपर हीरो है तू गांडू? मैं जब छोटा था तब मेरा सर्कमसिशन हुआ था, फोरस्किन रिमूवल। मैं क्लास टू में था उस वक्त, मैं क्रिकेट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था कि सर्कमसिशन होने के 3 दिन बाद जब तक वो ढंग से ठीक नहीं हुआ था मैं क्रिकेट खेलने गया, किसी को बताया और मेरे
मेरे बॉल मेरी विंडो। लेकिन जब तेरा सर्कमसिजन हुआ था तू मतलब भाग कैसे पा रहा था? थोड़ा दर्द सा मतलब अजीब सा नहीं होता थोड़ा, मतलब ऐसे जब क्लोथ्स वोथ्स और कपड़े जब इन टच में आते हैं? मेरी फ्रेंड्स मुझे एनवर्ड बोलते हैं। तो बात नहीं ब्रो, इंडिया में फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया में कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है इसका एनवर्ड का, बोलने दो भाई। तो दिल पे मत लो, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा जो ना मैं लो। बहुत सही ब्रो, थैंक यू जो भी है बंदा। दिमाग चूट, वाओ कैसा टशी दिमागी चूट, थैंक यू। मुझे कटर करने की आदत है, जब कज़न के घर आया आई एम बाय, मेरे को एक बंदा अट्रैक्टिव लगता था तो लाइक हम स्कूल के फेस्ट में क्लब, बाई सेक्शुअल लोग होते हैं भाई काफ़ी सही। मतलब तुम्हें आज लेने का नहीं मन कर रहा, देने का मन कर रहा है बम्बल, देने का मन नहीं कर रहा, लेने का मन ग्राइंडर, मतलब कुछ भी कर सकते हो भाई। आई एम बाय, मेरे को भी एक बंदा अट्रैक्टिव लगता था तो लाइक हम स्कूल के फेस्ट में क्लब में थे तो मैं थोड़ा ड्रंक था, ड्रिंक्स वर इलीगली सप्लाइड, वाओ। तो मैंने उसे उसकी ऐश छुई एंड ही लुक्ड एट मी एंड उसने मुझे थप्पड़ मारा एंड उसने मेरे मुंह में थूका। यहाँ टी मुझे क्यों आया? उसका टेस्ट अच्छा था, नॉट गोना लाई। अच्छा ये मेरे को थोड़ा फेक लग रहा है, तो आई डिडंट सी मच बट ही फाउंड मी अट्रैक्टिव जस्ट बिकॉज आई डिडंट कंप्लीट मेड आउट नाइट पहले उसके। मैंने लुली खुजाई एक्सट्रीमली काली थी एंड उसने मुझे जॉब दिया एंड किस किया, बस हमारे रिलेशनशिप 6 महीने तक चला, ही चीटेड ऑन मी लेटर। वाओ, I was molested by 2 junior girls when I was in school. Damn. I hope you're doing well, bro. जो भी है ये, या ब्रो या फिर लड़की, भाई फेक स्टोरी, मुझे कैंसर है। I'm so sorry for you, bro. मैंने आज हगा नहीं, वाओ। तू हंसा क्यों? भाई मैं हंसा नहीं, ठीक है? सबसे पहले मैं हंसा नहीं, bro. That shit caught me off guard, भाई, ठीक है? एकदम से वो बंदा, मैं उससे पहले क्या स्टोरी पढ़ रहा हूँ फिर एकदम से आई हैव कैंसर, मैं हंसा नहीं भाई, बिल्कुल फेक स्टोरी नहीं है। सुन, लास्ट वीक आई वाज एट अ स्टोर एंड ओल्ड मैन केम एंड टोल्ड मी दैट ही विल मेक मी अ मैन, स्माइल क्रीपली एंड ग्रैब माय वेस्ट। वैसे तो मैं स्टड हूँ बट भाई मेरे साथ हुआ था ये सेम चीज़, ठीक है? मैं KFC में था, ठीक है? एक औरत मतलब वो कम से कम होगी 40 साल की और वो मेरे पास आके कहती है कि कैन आई जॉइन यू, ऐसे कहती है। और मैं ऑर्डर कर रहा था और मैं बोलता हूँ उसे कि आई प्रेफर ईटिंग अलोन। भाई साहब वो भी क्रीपी था काफ़ी। आई सॉ माई फर्स्ट कैट लाइंग डेड ऑन द रोड, आई म्यूटेटेड जस्ट बिफोर माई बोर्ड एग्जाम्स, लेटर आई वाज इन डिप्रेशन, आई एम सो सॉरी फॉर यू ब्रो। भाई अगर मैंने अपने कुत्ते को ऐसे देख लिया मैं तो पता नहीं क्या ही करूँगा। मैंने एक लड़की को गाली दी थी, मुझे बाद में 4 लोगों ने मिल के मारा। गाली दी क्यों? लेकिन I want to get rid of this temptation. Help. Like firstborn. भाई देख, लिमिट है ना, मतलब धीरे धीरे कम कर कि आज मैंने एक बारी देखा नहीं, आज मैंने इतना देखा, फिर कल मैंने इतनी बारी देखा, फिर ऐसे ऐसे करते करते ना छोड़ देगा, मैं चमारूँ। कोई बात नहीं ब्रो, कुछ गलती नहीं, कुछ गलत नहीं है इसमें, जस्ट बी प्राउड ऑफ यूरसेल्फ। मेरे दोस्त की मम्मी इज लिटरली माई टाइप, शी ऑल्सो ब्रो कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है भाई? कंट्रोल कर अपने आप को, ये मत कर, ये बहुत ही भाई तू बाद में रिग्रेट करेगा ये बाद में, ठीक है? जब तेको पता चलेगा कि तू कितना बड़ा चूतिया है, ठीक है, तूने क्या कर दिया है अपने लाइफ के साथ, तू बाद में रिग्रेट करेगा, तो ये मत ही कर। अटेंशन दे रही है वो, तेको लग रहा होगा वो तेको अटेंशन मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा होगा तेको अटेंशन। वो सब वो शायद से होगी, वो काफ़ी नाइस वुमेन, ठीक है, वो सबके साथ ऐसी रहती होगी। मैंने एक बार मेरी मैम को नेकेड देख लिया था। कैसे देखा? मतलब ये कैसे हो सकता है? मेरा लड़का काला है, मैं बहुत इनसिक्योर, इसकी वजह से। कोई बात नहीं ब्रो, जैसे भी कोई देखने नहीं आ रहा तेरे लड़कों, साले वर्जिन, आई एम जस्ट किडिंग। बट हाँ भाई कुछ नहीं होता,